हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का फिर से सिविल मेज पर ऋषभ सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू मेक झुग्गी, जो झुग्गी होती है अपने सर्वेंट रूम के लिए और हमारे सीमेंट रूम के लिए। तो उसके लिए हमें झुग्गी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है हमारे मटेरियल को स्टोर करने का, प्लस लेबर की रहने के लिए। उसके लिए आपको करना ये है कि जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, हमारे मिस्त्री, कुली और बेलदार लगे हुए हैं झुग्गी बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको गारे की ज़रूरत होती है। गारा जो होता है वो देखिए, जैसे वो वहाँ से सीमेंट मिट्टी उठा रहे हैं और मिट्टी का बेस बना रहे हैं, जिसके ऊपर आपका पहला रद्दा लगेगा। पहला रद्दा इन द सेंस जो हमारी लेवलिंग चलेगी वो यहाँ से चलेगी, और विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ये लेवल बना दिया जाएगा। यहाँ पे हमने गारा बना लिया है, ये आप गारा देख रहे हैं, ये गारा बन चुका है। अब इसमें से विद द हेल्प ऑफ तसले मिट्टी लाई जाएगी, गीली मिट्टी। और अब देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो हमारा स्टोर रूम बन रहा है और जो झुग्गी बन रही है लेबर के लिए, वो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने बनाया है। इसके अंदर भी जो साउल है और अलाइनमेंट है, उसको पूरा ध्यान में रखा जा रहा है। अब इसको मैं बता देता हूँ कंस्ट्रक्ट कैसे करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 14 इंच का नीचे बेस लेना है, ब्रिक वर्क से ही। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ से 14 इंच का ब्रिक वर्क का बेस लिया गया है, वहाँ पे भी 14 इंच का ब्रिक वर्क का बेस लिया जा रहा है, यहाँ पर भी हमने 14 इंच का ब्रिक वर्क लिया है। उसके ऊपर हमने 9 इंच की वॉल उठा दी है। जो हमारा ये ब्रिक वर्क रहा है एज अ बेस, ये दो रद्दे भी हो सकते हैं, तीन रद्दे भी हो सकते हैं, जब तक हमारा अलाइनमेंट मिल नहीं जाता, या एक रद्दा भी हो सकता है। एंड उसके बाद जहाँ पर हमें एक मिडल वॉल देनी है, और जो हमें वहाँ पर वॉल देनी है उसका जो सोल्यूशन हमें दिख रहा है, उसके अंदर हमने दाता कहते हैं, इसे दाता निकाल देना, दाते निकाल दिए कि जब यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होएगी तो एक अच्छी सी पकड़ बन जाएगी इस ब्रिक, इस वॉल के अंदर, इस वाली वॉल के अंदर, और जो पीछे से वॉल जा रही है इसके अंदर एक पकड़ रहेगी, इसे कहते हैं दाता निकाल देना। दाता निकाल के हम ज्वाइन कर देते हैं दो वॉल्स को। अब इसके लिए हमें नेक्स्ट आइटम की जो ज़रूरत होगी वो रहेगी आपकी ऊपर के टीन की और हमारा आयरन गेट की, और वो भी मिल आ जाएंगे, फिर हमारा पूरा झुग्गी कंप्लीट हो जाएगा और स्टोर रूम जिसे हम कहते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा।